अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप लोग? अल्फा सायरा वर्दा, कैसे हो आप लोग? वालेकुम सलाम सायरा, आप ग्रुप में मैसेज करो कि सब ज्वाइन करें। आप लोग का टेस्ट है ना, मैं टेस्ट विजिबल कर रही हूँ, आप मैसेज करके ग्रुप में तो आप भी टेस्ट सॉल्व करो। वालेकुम सलाम, नाम फातिमा, टेस्ट विजिबल हो गया, आप लोग टेस्ट सॉल्व करो।
गुलाम फातिमा, मैं भी शिफ्ट अपने मार्क्स बताओ जल्दी से। जिले हुमा गुलाम फातिमा महवेश चिन चिन ने कर दिया, अपने अपने मार्क्स बताते जाओ।
ओके वर्धा, कोई बात नहीं, आपने अगर 10 में से 8 सॉल्व किए हैं तो इट्स गुड। ठीक है, सारे सिनेरियो बेस्ड थे। पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है, ये वो 1 मिनट वाले एमसीक्यूज नहीं थे जो हमने 1 मिनट में एक ही एमसीक्यू सॉल्व करना होता है, इससे ज़्यादा टाइम चाहिए था। कौन से वाला वर्धा, किसकी नहीं समझ आई, अभी बताओ। ओके मैं देख के बताती हूँ।
बर्था इसकी तो साथ में रीजन भी लिखी हुई है, मेंशन की हुई थी इसकी आंसर भी। इसकी रीजन आप देखो, जब आपने सबमिट किया होगा तो आपको साथ में फीडबैक भी मिला होगा ना। तो क्लास आप साथ साथ अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। जी, ये सबकी डिफरेंट है, बट जेंडर जो है वो सबका डिफरेंट नहीं है ना, उसमें जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है।
ओके वर्धा, आपको तब समझ आएगी, आपने जो है अभी बैठ कर आपकी अटेंडेंस वाली मार्क करनी है, आपने इंटरवल स्केल की डेफिनेशन करनी है, ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी भी डेफिनेशन साथ में पढ़ो। ठीक है, इंटरवल स्केल बेसिकली वो होता है जिसमें हमने न्यूमेरिक स्केल यूज करना है, न्यूमेरिकल स्केल। तो आप मुझे ये देख के बताना कि जेंडर में न्यूमेरिकल स्केल आएगा। ओके समझ आ गई आपने क्या पढ़ना है। क्लास जिसका नाम रह गया जिसने अभी अटेंडेंस नहीं मार्क करवाई वो भी करवा दो। आपने इंटरवल स्केल और इसकी एग्जांपल्स देखनी है, इंटरवल स्केल में हमने क्या क्या चीज़ मैया कर सकते हैं, और साथ में आपने नॉमिनल स्केल की एग्जांपल्स देखनी है। नॉमिनल स्केल में बेसिकली क्या है, ये जेंडर वगैरह देखते हैं, बट इंटरवल स्केल की तो मैंने इंटरवल लेवल पूछा हुआ था, तो इंटरवल लेवल में जो है टेम्परेचर हार्ट रेट वगैरह आती है, जेंडर नहीं आएगा। ओके वर्ता, बाकी ये कि आप स्केल्स और उनके साथ में जो है विद एग्जांपल्स पढ़ो कि किस वाले स्केल में क्या एग्जांपल आती है, फिर आपको क्लियर होगा। ओके तो इसके लिए आपको देखो, जब ये अब मैंने इसलिए पूछा है कि मैंने हाइपोथेसिस बनवाने के लिए पूछा, बट इसके लिए आपको जो है डिफरेंट स्केल्स के बारे में विद एग्जांपल्स उनका पता होना चाहिए था। नॉमिनल स्केल क्या है, ऑर्डिनल स्केल क्या है, इंटरवल स्केल क्या है, और रेशियो स्केल्स क्या है, ये फोर स्केल्स और इनकी एग्जाम्पल्स आपको पता हो तो फिर आपको पता होना था कि हमने जो है इस टाइम इस स्केल्स को यूज़ करते हुए क्या चीज़ मेजर की है। और आपका, आपको मैं बताऊं कि आपकी क्लास में सबके जिसके सबसे ज्यादा मतलब जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं ना वो इसी में से आए हैं, जेंडर सबने सेलेक्ट किया हुआ था।
इट्स ओके श्रद्धा, कोई इशू नहीं है। देखो ये प्रैक्टिस के लिए है, इतनी मुश्किल भी नहीं एग्जाम्स में आते। एग्जाम्स में कुछ होते हैं जो ऐसे सिनेरियो बेस्ड होते हैं, कुछ बहुत इजी आते हैं। क्योंकि अगर सारे ही ऐसे हैं तो फिर तो आप 1 घंटे या 3 घंटों में भी नहीं अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते। कुछ होंगे ऐसे सिनेरियो बेस्ड। क्या सबने अपनी अटेंडेंस मार्क करवाई? चलें ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज।